हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले जय सियाराम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स, उसमें चैप्टर 2 इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है, 10 मार्क का इस चैप्टर में से आएगा। ये जो चैप्टर है दोस्तों, नाम इसका सुनो आप, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ, और डेवलपमेंट का मतलब है यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले भी जो एक इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आप लोगों को, वो ये है कि क्या आपको पता है कि ये दो वर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों वर्ड कहाँ से आए, इन दोनों का मतलब क्या होता है। ये तो सब जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको देने वाला हूँ एक बहुत ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड कहाँ से आया। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही मैं आपको बताया था कि इस दुनिया में हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के दो तरीके हैं, एक शस्त्र द्वारा और दूसरा शास्त्र द्वारा। लेकिन अगर शस्त्र द्वारा हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, अगर हम लड़ाई से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, अगर हम युद्ध करते हैं, तो उसके जो परिणाम मिलेंगे हमें बाद में, वो अच्छे परिणाम नहीं होंगे। उसके बुरे परिणाम किसी को भी भुगतने पड़ सकते हैं। जो लोग इस लड़ाई में शामिल होते हैं, जो लोग इस युद्ध में शामिल होते हैं, उन सभी लोगों को इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, 1939 टू 1944 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। दुनिया के सब देशों ने अपने ज़्यादातर रिसोर्सेज युद्ध के पीछे लगा दिए। अब जब भी कोई देश अपने रिसोर्सेज युद्ध के पीछे लगाता है, तो वो देश अपना डेवलपमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज उसके पास होते हैं, वो उसको युद्ध में लगा देने पड़ते हैं। तो वो अपने देश को इतना आगे नहीं ले पाता है। ऊपर से जब जब कोई भी देश युद्ध करता है, तो वो ग्रोथ के बदले, आगे बढ़ने की जगह वो पीछे आ जाता है। बस ऐसा ही पूरी दुनिया के साथ हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर तो हो गया, लेकिन उसके बाद दुनिया के ज़्यादातर देशों में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गए, आर्थिक समस्याएँ शुरू हो गई। दुनिया के ज़्यादातर देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरा, ये सब कुछ बढ़ने लगा। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और स्टारवेशन, इंग्लिश वर्ड, तो ये सब कुछ बढ़ने लगा। अब प्रॉब्लम्स तो आने लगे। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो, उस वक्त दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी था अमेरिका। अमेरिका ने सोचा कि हम सारे देश मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन निकाले। तो उसके लिए अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग देशों को इनवाइट किया, और उसके देश में एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की, जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। उस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में सारे देशों ने मिलकर ये सोचा कि हमने वर्ल्ड वॉर तो किया, लेकिन अब हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जो नागरिकों, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनकी जो हालत है, वो जो खराब होती जा रही है, उसको हम कैसे सुधारें, हम कैसे गरीबी कम करें, हम कैसे बेरोजगारी कम करें, हम कैसे हमारी जो प्रजा है उसको भूख से मरने ना दें, तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे करें। तो उसी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने सोचा कि हम सारे देश व्यापार को बढ़ाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादातर देश लिबरल बन जाए, ज़्यादातर देश अपना फॉरेन ट्रेड बढ़ाए। मतलब कि क्या करे दुनिया के देश इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो उस वक्त जो दो वर्ड सामने आए ना वहां पर, वो ये दो वर्ड थे, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
मतलब कि अगर हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, उस वक्त सारे देशों ने सोचा कि अगर हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। दुनिया के ज़्यादातर देशों का यही गोल होता है दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। जब ये दोनों वर्ड ढूंढे गए थे, जब ये दोनों वर्ड स्टार्टिंग में, तो इसको सेम, उसको समान माना जाता था। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी द सेम, द कॉन्सेप्ट इज कंसिडर्ड टू बी द सेम। बट जैसे जैसे समय गया, इकोनॉमिस्ट ने उसके ऊपर बहुत सोचा, अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में चिंतन किया, और फिर कुछ अर्थशास्त्रियों ने बताया कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक वृद्धि, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक विकास। तो दोस्तों, ये दोनों वर्ड वहां से बहुत ही पॉपुलर हुए। उसके बाद दुनिया के हर एक देश का गोल, आज आप देख लो, दुनिया के हर एक देश का गोल इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। मैं आपको बेसिक एक डिफरेंस आज ये वीडियो में बता रहा हूँ, उसके बाद आप इसके बारे में सोचना। फिर नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा इसी चैप्टर के। प्रोफेसर मिसिस उर्सुला हिक्स, उन्होंने एक बात बताई कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। अब सुनना, बहुत ज़बरदस्त, दो लाइन में इसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसके बारे में आपको बहुत सोचना पड़ेगा। और जो भी क्वेश्चंस आपके मन में हो, वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप लिख सकते हैं। प्रोफेसर मिसिस उर्सुला हिक्स ने बताया, द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, जिनका डेवलपमेंट ऑलरेडी हो गया है, जैसे कि अमेरिका है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, जापान है, ये सारे देशों की जितनी भी समस्याओं का समाधान है वो आर्थिक वृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। और द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं, जैसे कि भारत है, जैसे कि श्रीलंका है, जैसे कि बांग्लादेश है, ये सारे जो विकासशील देश हैं, उनकी समस्याओं का समाधान आर्थिक विकास है। तो दो लाइन में ही बता दिया दोस्तों, द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों वर्ड्स कहाँ से आए, उसका बेसिक डिफरेंस क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका बेसिक डिफरेंस समझाऊंगा, डिटेल में इन दोनों का मीनिंग समझाऊंगा और डिटेल में इन दोनों का डिफरेंस समझाऊंगा। आशा करता हूँ आज आपको इतना समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।